नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंकी। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से लेसन क्रमांक 15, जिसका नाम है नौकर। लेसन का नाम है नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। आश्रम यानी ये देखो, ये ऊपर जो दिखाया हुआ जो पिक्चर है वह है आश्रम का। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। आमतौर यानी अक्सर, प्रायः। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे। बैरिस्टरी यानी वकालत। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर रोज, प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पिसा करते थे। चक्की यानी कैसे चक्की होती है, पत्थर वाली, गोल वाली जो चक्की होती है उसके ऊपर वह अपने हाथ से गेहूं या जो भी कुछ सीड्स रहते थे वह उसके ऊपर पिसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम, और लड़के भी उनके हाथ बटाते। हाथ बटाना, सहायता करना। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। महीन यानी थोड़ा सा बारीक पतला, मोटा आटा, वो दोनों भी जिस प्रकार के आटे की जरूरत पड़ती थी उसी प्रकार का आटा वो खुद क्या करते थे, पीसते थे। साबरमती आश्रम में गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती आश्रम का नाम है। वहाँ पर भी गांधी जी ने यह आटा पीसने का काम जारी, मतलब वो वही काम करते थे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। मतलब क्या कि अगर चक्की में कभी कुछ बिगाड़ हो जाएगा तो वो खुद अपने हाथों से ही उसको ठीक करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आटा नहीं है, तो तुरंत गांधी जी क्या हो गए, तैयार हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। देखो, बीन कर मतलब क्या करना, उसको चूना, उसके अंदर से जो भी पत्थर कंकड़ होते हैं उसको साफ करने में वो जोर देते थे। बिना साफ किए बिना बिल्कुल भी गेहूं पीसते नहीं थे। कौपीन धारी, कौपीन धारी मतलब क्या कि जो गांधी जी का कपड़े पहनने का जो तरीका जो था वो क्या करते थे, गुड़घे तक ही उनकी धोती रहती थी और शरीर के ऊपर एक छोटा सा पंचा। कौपीनधारी मतलब छोटे धोती के पहनने वाले आदमी को कहते हैं कौपीनधारी। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। हैरत में पड़ना, हैरान होना। और जब गांधी जी जैसे महान व्यक्ति जब यहाँ गेहूँ या अनाज क्या करते थे, साफ करते थे, तब लोगों को उनको देखकर बहुत हैरानी होती थी। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। शारीरिक यानी शरीर से संबंधित, मतलब हम जो मेहनत का काम करते हैं वही। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गर्व यानी अभिमान या घमंड।
गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। ये जो छात्र जो आए थे, जो स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने गांधी जी के साथ जब वो बात करने लगे तब उन्होंने आखिर में कहा कि अगर हम आपकी कोई काम कर सेवा कर सकते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनकी मन की बात ताड़ ली, बात ताड़ लेना समझ लेना, और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। गेहूं बीनना मतलब गेहूं में से कूड़ा करकट कंकड़ क्या करना, निकाल देना। आगंतुक, आगंतुक यानी अतिथि, मतलब वो जो स्टूडेंट्स आए थे बड़े मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। चारा ना होना, उनके सामने कोई किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। विदा लेना जाना। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। भंडार मतलब जहाँ पर रसोई में काम में आने वाली चीज़ों को जिस जगह पर रखते हैं उसे कहते हैं भंडार। आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद, सवेरा मतलब सुबह की प्रार्थना के बाद, वे रसोई घर यानी किचन, रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। आड़े हाथों लेना, गलती करने पर कठोरता से पेश आना। उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। पौष्टिक मतलब कि हेल्दी। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए, केले यानी बनाना, ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकते पड़ गए थे, मतलब क्या ब्लैक कलर के डॉट। उसने बहुत बुरा माना, उसे बहुत बुरा लगा। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर मतलब विशेष रूप, खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। हाजमा भोजन हजम करने की शक्ति। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। भोजन परोसना खाने के लिए भोजन देना, अक्सर मतलब आम तौर पर। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। बेस्वाद जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, स्वादहीन। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। दल बांधना मतलब ग्रुप बनाकर समूह से काम करते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब काली ख लगी थी, काली धुएं आदि से काला होना। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली,
यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी मतलब समझदारी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। संतोष यानी खुशी नहीं होती थी, आनंद नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, मददगार हेल्पर, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत, नवागत मतलब नया आया हुआ मेहमान, एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखे चले आ रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, अस्वस्थ मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। देखो हम होते तो क्या करते, अच्छा हो गया, लेकिन गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस लगी, ठेस लगना उनके मन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, पछतावा यानी पश्चाताप। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, लाचारी यानी मजबूरी ना हो, तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक, दैनिक यानी डेली, और शारीरिक श्रम मतलब शरीर से संबंधित काम ना करना पड़े। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत, अद्भुत मतलब अनोखी क्षमता मतलब शक्ति ताकत, हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। ढोया था मतलब अपने पेट पर सामान या जो भी कुछ है लाद कर चलना। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अनुकरण करना नकल करना, के अनुसार काम करना। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, भराई मतलब
तालाब जो खोदा था उसके अंदर भरने का काम चला था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों, तश्तरी मतलब क्या, थाली नुमा प्लेट, तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है, उचित यानी सही है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की, प्रवासी यानी दूसरे देश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी नहीं शाक सब्जी खाने वाले शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया, भोज यानी खाने के लिए। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित मतलब इनवाइट किए हुए निमंत्रित उनके सम्मानित जिसका सम्मान किया जाए। सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, सख्त नहीं कठोर, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था, बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं लगता था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे, डेरे पर मतलब अस्थाई रूप से जहाँ पर रहा जाता है, ऐसे टेंट को डेरा कहते हैं, अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, फर्श बुहारना मतलब क्या करते, फर्श साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ली, बुहारी यानी झाड़ू, और फर्श बुहारना मतलब क्या, फर्श पर झाड़ू लगाना, हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पुरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नवाखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी, अनुमति इजाजत यानी परमिशन। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा क्या होता है, एक गुजराती व्यंजन होता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण मतलब क्या, बहुत होशियार निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई, विधि मतलब उन्होंने रेसिपी बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। विधि मतलब तरीका। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था
अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास एंड डेवलपमेंट के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य, मतलब बहुत ज़रूरी, आवश्यक होती हैं। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था, चैन मतलब आराम, और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का आदर करते थे गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। आपको पता है गोखले क्या करते थे, अपने ड्रेस के ऊपर एक कपड़ा क्या करते थे, रखते थे। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गांधी क्या करते थे, गोखले की सभी प्रकार की सेवा खुद करते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा मतलब सबसे बड़े महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए, और पाखाना मतलब शौचालय, और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन यानी क्लर्क कारकुन नहीं है जिसे यह काम दो, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो। गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो, मतलब सामर्थ्य ने मेरी कैपेसिटी। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। हरिजन मतलब क्या, उस जमाने में जिनको छोटा समझा जाता था ऐसे लोगों को। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वतः निष्फल नहीं जाएगी। निष्फल मतलब व्यर्थ। उन्हें यह मालूम ही न था
कि किसी को नौकर के भांति कैसे रखे, भांति मतलब तरह। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। सेवा टहल का मतलब उनकी सेवा करने का काम। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। पाखाना मतलब शौचालय। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय, विदा लेना वहाँ से जाना, उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। प्रतिदान उसके बदले में कुछ दूसरा देना, वो तो मैं मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान ही इसका आपको पूरा फल देगा।